सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल LIC बेस्ट प्लान को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC के जीवन शांति प्लान के ऑप्शन नंबर 2 यानी डेफर्ड एन्युटी। डेफर्ड एन्युटी को हम एक एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस प्लान का टेबल नंबर है 850। इसमें मोड है सिंगल यानी वन टाइम इसमें पेमेंट करनी है और हम डेफर्ड पीरियड इस प्लान में टर्म लेंगे 15 साल यानी 15 साल का डेफर्ड पीरियड रहेगा। उसके बाद ही पॉलिसी होल्डर की पेंशन स्टार्ट होगी। प्रीमियम टर्म एक बार ही पेमेंट देनी है। सम अश्योर्ड इसमें वन टाइम जो पेमेंट है 20 लाख रुपए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और टोटल प्रीमियम GST जोड़ के 20 लाख प्लस 36,000 GST यानी टोटल अमाउंट 20,36,000 रुपए वन टाइम इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जीवन शांति प्लान के ऑप्शन 2 यानी डेफर्ड एन्युटी प्लान के एग्जांपल को समझने से पहले हम इस प्लान के एडवांटेज को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक बार पेमेंट करनी है। गारंटेड पेंशन, जो भी पेंशन आपको दिया जाएगी वह डिक्लेयर होगा, गारंटेड रहेगा। सेकेंड है इमीडिएट डेफर्ड पेंशन, यानी इसमें पेंशन इमीडिएट भी स्टार्ट हो सकती है और डेफर्ड पेंशन भी इसमें ऑप्शन है, लेकिन हम इसमें एग्जांपल द्वारा केवल डेफर्ड पेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल पेंशन ऑप्शन फॉर सूट नीड्स, यानी पॉलिसी होल्डर जो भी ऑप्शन चूज करना चाहता है वह ले सकता है, लेकिन हम केवल डेफर्ड पेंशन की बात करेंगे। गारंटेड एडिशन एवरी मंथ, इसमें जो भी डेफर्ड पीरियड यदि पॉलिसी होल्डर ऑप्शन चूज करता है तो हर महीने इसमें बोनस आपकी पॉलिसी में जुड़ता रहता है। एज ग्रुप, इसमें 30 से लेकर 100 साल का एज ग्रुप है, यानी 30 साल से लेकर 100 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। क्लोज रिलेटिव एज ज्वाइंट लाइफ एन्युटेंट, यानी यदि आप ज्वाइंट लाइफ डेफर्ड पीरियड में ज्वाइंट लाइफ लेते हैं तो भाई बहन मम्मी पापा इन लोगों को ज्वाइंट लाइफ में जोड़ सकते हैं। डेथ बेनिफिट एंड पेमेंट, यदि आप नॉमिनी को अपनी पॉलिसी में नॉमिनी बनाते हैं तो डेथ के बाद नॉमिनी को जो है 3 ऑप्शन में पैसा रिटर्न किया जाता है। पहला ऑप्शन या लमसम जो भी अमाउंट रिस्क कवर होगा वो दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि जो भी रिस्क कवर अमाउंट होगा उसकी नई पेंशन नॉमिनी को उस अमाउंट से पेंशन स्टार्ट कर दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, इसमें तीसरे ऑप्शन में 5, 10, 15 साल का इंस्टॉलमेंट होगा, उस अमाउंट को नॉमिनी को 3 किस्तों में यानी 5 साल, 10 साल और 15 साल के इंस्टॉलमेंट में उस अमाउंट को दिया जाएगा। इनकम टैक्स बेनिफिट, अंडर सेक्शन 80CCC में जो भी अमाउंट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में यानी इसी फाइनेंशियल में मान लीजिए वह 20 लाख देता है तो 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। लास्ट ऑप्शन है लोन एंड सरेंडर फैसिलिटी, इसमें इस पॉलिसी को लेने के बाद 1 साल बाद लोन लिया जा सकता है और पॉलिसी के लेने के बाद 3 महीने बाद इस पॉलिसी को सरेंडर की फैसिलिटी भी LIC देती है। दोस्तों अब हम LIC के जीवन साथी डेफर्ड एन्युटी के ज्वाइंट लाइफ पेंशन को एक एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने मिस्टर ए कोई व्यक्ति हैं जो ये पॉलिसी को ले रहे हैं और उनकी करंट एज है अभी 40 साल और जैसा कि यह ज्वाइंट लाइफ डेफर्ड एन्युटी प्लान है तो इसमें सेकेंड लाइफ होना जरूरी है, तो सेकेंड लाइफ यानी उनकी वाइफ की एज इसमें हमने लिए 35 साल, तो फर्स्ट एन्युटेंट की एज 40 साल और सेकेंड एन्युटेंट की एज 35 साल। 15 साल का डेफर्डमेंट पीरियड है, वन टाइम पेमेंट किया गया है और वन टाइम पेमेंट किया गया है 20 लाख सम अश्योर्ड और प्रीमियम टोटल दिया गया है GST जोड़ के 20 लाख प्लस 36,000 यानी 20,36,000 टोटल प्रीमियम GST जोड़ के। तो अब हम बात कर लेते हैं कि 40 साल की एज में मिस्टर ए ने 20,36,000 पेमेंट करी है तो 15 साल बाद उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पेंशन के रूप में जब उनकी एज 55 साल की हो जाएगी तो 3,30,400 रुपये उनको जब तक वे जीवित हैं उनको मिलती रहेगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि बीच में 65 साल की एज में मिस्टर ए की डेथ हो जाती है तो यही पेंशन यानी 3,30,400 रुपये उनकी वाइफ को उनकी लाइफ तक मिलती रहेगी जब तक वाइफ सर्वाइव कर रही है। तो ये तो हो गया कि उनकी वाइफ को मिलती रहेगी और उनकी वाइफ की बात अगर उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो ये जो अमाउंट है जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 75 साल की एज में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो 22 लाख रुपए उन्होंने अपनी पॉलिसी लेते समय जिसे भी नॉमिनी बनाया होगा 22 लाख रुपए उसे दे दिए जाएंगे। अब एक और कंडीशन संबंधित ये तो कि पेंशन कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, डेफर्ड पीरियड के बाद कितनी मिलेगी, ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि डेफर्ड पीरियड के अंदर यदि पहला एन्युटेंट की डेथ हो जाती है तो क्या होगा।
या सेकंड लाइफ की डेथ हो जाती तो क्या होगा, तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, यदि 40 साल की एज में उन्होंने 20,36,000 रुपये मिस्टर ए ने दिए LIC को, तो अब उनकी पेंशन होगी 3,40,000 रुपये 55 साल की एज के बाद। लेकिन अगर 55 साल की यानी 15 साल के बीच डेफर्ड पीरियड के अंदर उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। मान लीजिए मिस्टर ए की डेथ 50 साल की एज में हो गई, तो उनका रिस्क कवर बनता है 54,95,800। लेकिन यह अमाउंट किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी सेकंड लाइफ जीवित है। तो उनकी डेथ हो गई तो अब उनकी वाइफ को, अगर वो जीवित हैं, तो 2033 में जब उनकी वाइफ 35+15 साल यानी 50 साल की हो जाएंगी, तो उन्हें वो है यह अमाउंट यानी 3,30,400 रुपये मिलना स्टार्ट होगा, 3 लाख जब तक है जीवित है। और फिर और उनकी भी अगर डेथ हो जाती है तो जिस साल उनकी डेथ होगी, नॉमिनी को ये लाइन जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं 70 साल की एज में उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो 22 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। अब एक और कंडीशन आती है, तीसरी कंडीशन, कि यदि डेफर्ड पीरियड में 1 से लेकर 15 साल के बीच फर्स्ट एन्युटेंट की डेथ हो जाती है और 15 साल से पहले ही उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। मान लीजिए 40 साल की एज में पॉलिसी ली, 45 साल की एज में मिस्टर ए की डेथ हो गई, और 50 यानी उनकी वाइफ की एज जब यानी 2028 में जो भी एज रही होगी उनकी भी डेथ हो जाती है और पेंशन स्टार्ट नहीं हुई, तो अब यह अमाउंट जो भी रिस्क कवर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये अमाउंट यानी 50 साल की एज में 50 साल 2028 में उनकी वाइफ की विदा जाती है, तो नॉमिनी को अब मिलेंगे 54,95,800 रुपये। और इस 54,95,800 को नॉमिनी के लिए उन्होंने पॉलिसी लेते में जो भी ऑप्शन चूज किया होगा, यानी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन, वही नॉमिनी को इसका फायदा दिया जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि 54,95,800 रुपये या तो नॉमिनी को मिल जाएंगे। यदि दूसरा ऑप्शन लिया हो तो इस अमाउंट का जो भी उस समय पेंशन पॉलिसी होगी उसमें यह अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके पेंशन नॉमिनी की स्टार्ट की जा सकती है। तीसरा ऑप्शन है 54,95,800 को 3 इंस्टॉलमेंट यानी 5 साल 10 साल 15 साल, यदि पहला 5 साल चूज करते हैं तो 5 साल में इस अमाउंट को नॉमिनी को दिया जाएगा, 10 साल चूज करेंगे 10 साल में LIC द्वारा नॉमिनी को दिया जाएगा, या 15 इंस्टॉलमेंट में LIC द्वारा नॉमिनी को दिया जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं लोन की। यदि पॉलिसी होल्डर को 40 साल की एज गेट के बाद 50 साल की एज में लोन की जरूरत पड़ती है, तो वह LIC से 16,98,157 रुपये लोन ले सकते हैं। जिस साल में भी उसे लोन की जरूरत है वह लोन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर किसी वर्ष मिस्टर ए को इस पॉलिसी को फिनिश करना हो यानी समाप्त करना हो, पॉलिसी को कैंसिल करना हो, तो उसे LIC ये भी ऑप्शन देती है कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए पेंशन भी स्टार्ट हो जाती है 55 साल के बाद और 60 साल की एज में मिस्टर ए जो है इस प्लान को कैंसिल करना चाहते हैं, तो लोन तो कैंसिल करने पर सरेंडर वैल्यू मिलेगी 30,04,360 रुपये। तो बहुत अच्छी इसमें ऑप्शन है कि लोन भी लिया जा सकता है और सरेंडर भी किया जा सकता है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि पॉलिसी को सरेंडर ना करके अगर लोन लिया जाए तो यह पॉलिसी बेटर है, और डेफर्ड पीरियड में लिया जाए तो एक अच्छा एक रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो आशा है यह एग्जांपल आपको डेफर्ड पीरियड वाला समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, आपको ईमेल द्वारा इसका जवाब भेज दिया जाएगा। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।